हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। सबको हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग सबके लिए। और हम लोग आज मॉर्निंग में पढ़ेंगे आपके जो डेली हम लोग जैसे लाते हैं 15 वर्ड्स पावर्स रिलेटेड, यानी कि आपके मीनिंग्स, और 15 हम लोग लाते हैं वर्ब, ठीक है, डेली हम लोग पढ़ते हैं। तब ये हमारा पार्ट क्या है आपका वर्ड पावर से, जिसमें हम लोग टॉपिक हमारा चल रहा था फैमिली एंड रिलेटिव्स से रिलेटेड। जितने मेंबर होते हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं और उनका मीन्स क्या होता है और उनको कैसे उनकी स्पेलिंग को हम समझ सकेंगे और लॉन्ग टाइम तक उनको याद रख सकेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट 6, और आज है 2 जून, जिसमें हम लोग देखेंगे आपके क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग स्पेलिंग के बारे में बात करेंगे, मीन्स उसके क्या क्या होते हैं, और डेली 15 वर्ड्स आपके आते ही आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा, अगर हम बात करें, अगर आपकी फर्स्ट आज हमारा इसके हम लोग पहले का पूरे कर लिए हैं जिसमें से हम लोगों ने, और आज हम लोग इसके यहाँ से पढ़ेंगे। क्लियर है? बिल्कुल। देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट आपका है मीनिंग्स की बात करें तो आपका फ्रेंड, फ्रेंड में कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में आता है, यानी कि आपका दोस्त जो होता है। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है फ्रेंड की? FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड मतलब होता है मित्र, होता है सखा, होता है ना, बिल्कुल, दोस्त होता है, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। तो ये तो बहुत ईजी है, आपका मित्र होता है, क्लियर है। अगर बात करें हम सेकंड नंबर की है हेयर, तो ये आपका वारिस होता है, ठीक है। वारिस मतलब आपके आने आने आगे वाने वाली पीढ़ी जो होती है, वारिस, ठीक है, बिल्कुल। आपका अगर कोई आपके घर का संतान है जो आपकी आगे चल करके आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा, उसको हम वारिस कहते हैं। तो इसको ये हमारा FRIEND होता है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट मीनिंग की अगर बात करें हम, तो इसमें आपका दिया गया है डिसेंडेंट्स, ठीक है। इसका मीन्स होता है वंश। क्या होता है? वंश। वंश यानी कि होता है कि, यानी आपका जैसे आप किस कास्ट के हैं या किस समुदाय से आते हैं, किस कम्युनिटी से आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो वंश बहुत, जैसे हमारा मुगलों का वंश था, खिलजी वंश था, मतलब बहुत सारे वंश हमारे जो होते हैं, एक पूरा उनके पूरा वंश चलता रहता है एक ही कास्ट का, तो वो चीज़ होता है वंश कहलाता है। अगला हमारा है लवर। लवर क्या होता है आपका? जैसे प्रेमी, क्या होता है? प्रेमी। लवर यानी प्रेमी होता है, यानी कि किसी चीज़ के लिए वो इतना ज़्यादा उसको चाहने लगता है कि उसको लवर कहा जाता है, ठीक है, प्रेमी, बहुत बड़ा प्रेमी, ठीक है, बिल्कुल। इसका LOVER हो जाएगा हमारा, ठीक है। और हमारा डिसेंडेंट्स का हो जाएगा DES, और CEND DANTS, डिसेंडेंट्स, इसको क्या पढ़ेंगे? डिसेंडेंट्स, ठीक है, बिल्कुल। अगला हमारा है मेड सर्वेंट। अब देखिए, मेड सर्वेंट, सर्वेंट की आपकी स्पेलिंग देखेंगे तो किसी किसी में यहाँ पे एक स्थान पर ई रहता है, ठीक है, क्या रहता है? SERVENT, सर्वेंट। सर्वेंट भी मतलब वही चीज़ होता है, और सर्वेंट मतलब भी वही, ए करो ई करो, इसमें हमें तो कोई डिफरेंस नहीं समझ में आया। हमने चेक किया है इसको, बहुत सारे डिक्शनरी हमने भी इसको जब देखा तो इसमें लगा, तो हमने इसको चेक किया तो दोनों का मीन्स वही आ रहा, ठीक है। तो मेड सर्वेंट मतलब होता है, मेड मतलब ये हमारा, यानी कि गर्ल्स की बात कर रहा था, यानी नौकरानी हो जाएगा, नौकर नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल। तायुब के आपके पांचों आपके यहाँ क्लियर हुई, ठीक है। आगे चलते हम लोग, कौन सा आपका होगा, क्लियर है, बिल्कुल। आगे देखिए, ये हमारा लगा हुआ स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे सर्वेंट, अभी हम लोग देखे मेड सर्वेंट, अब यहाँ पे देखिए ई हमने यूज किया है, दोनों का यूज करके हमने देखा, ठीक है, बिल्कुल, आपको ध्यान रखना है। तो इसका होता है नौकर, वो मेड सर्वेंट था, ये सर्वेंट। अगर सर्वेंट बस केवल बोला जाएगा तो आपको समझ लेना है ये जेंट्स की बात कर रहा है, यानी बॉयज की बात कर रहा है, यानी नौकर जो आपका होता है जेंट्स में, ठीक है। और अगर मेड शब्द लगा दिया गया तो फिर वो नौकरानी हो जाएगी, अगर कोई लेडीज है तो, ठीक है, बिल्कुल, ये चीज़ होता है SERVENT, ठीक है, या फिर इसका क्या करोगे? SERVANT, ठीक है, सर्वेंट। आप देखिए यहाँ पे नेबर, इसको क्या पढ़ेंगे? नेबर हम पढ़ेंगे, इसको नेबर पढ़ेंगे। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, जैसे हमारा कोई अगल बगल का पड़ोसी है तो क्या होगा आपका? पड़ोसी उसको कहा जाता है, ठीक है, नेबर। नेबर की स्पेलिंग क्या लिखेंगे भाई? NER, ठीक है, GHBOUR, नेबर। नेबर मतलब होता है आपका पड़ोसी। और नेबरहुड का मतलब होता है अड़ोस पड़ोस। अड़ोस पड़ोस मतलब अड़ोस पड़ोस के जितने भी होंगे, ठीक है, ये पड़ोसी का मतलब जस्ट आपके बगल वाला पड़ोसी, और अड़ोस पड़ोस यानी कि उससे थोड़ा सा और लेंथ में ले लिया जाए एरिया में, तो नेबरहुड होता है। इसको क्या पढ़ते हैं? नेबरहुड पढ़ेंगे, ठीक है, नेबरहुड, क्लियर
पढ़ेंगे? नेबरहुड पढ़ेंगे, क्लियर है? यस। अब देखिए अड़ोस पड़ोस हो जाएगा। अगला हमारा पेरेंट्स, पेरेंट्स को पेरेंट नहीं करना है आपको, यस हमेशा रखा रहेगा इसमें, क्योंकि आपका इसमें पेरेंट्स मतलब माता पिता, यानी दो लोगों से मिलकर बना है, दो आपका प्लूरल हो जाता है, तो इसको हमेशा पेरेंट्स ही रख बोला जाता है, पेरेंट नहीं होता कि आप पेरेंट कर दो तो आपका सिंगुलर हो जाएगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें माता पिता एक साथ रहेंगे तो पेरेंट्स होता है, ठीक है? PARENTS, सिंपल सा पेरेंट्स, ठीक है, माता पिता हो जाएगा। आप देखिए इसमें आपका ये है, दिया है आपका पैरामर दिया गया है, पैरामर मतलब होता है यार, यार मतलब वो भी एक प्रकार का दोस्त ही होता है, ठीक है, यार हो जाएगा आपका, क्लियर है? यस। तो ये सारी चीज़ें आपकी, जैसे यार हो गया, पैरामर हो गया आपका, पेरेंट्स हो गए, नेबरहुड हो गए, नेबर हो गया, सर्वेंट हो गया, वेट सर्वेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एक दो बार पढ़ना है और स्पेलिंग रिपीट करना है, ठीक है? जैसे हमारा सर्वेंट दिया SER, VENT सर्वेंट हो गया, नेबर का हो गया यानी EI, आपका GH हो जाएगा, आपका BOUR हो जाएगा, नेबर हो जाएगा, नेबरहुड, हुड लगा दो आगे, HOOD हुड हो जाएगा आपका, अड़ोस पड़ोस। पेरेंट्स आपका हो गया PARENTS, है ना, पेरेंट्स हो गया, पैरामार हो गया PARAMOUR, पैरामार, ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं आपकी, अगर तो आपका हो जाएगा ये, देखिए आपका अगला है आपकी वर्ड मीनिंग, ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला आपका स्टेप फादर, स्टेप फादर मतलब होता है, देखिए आप समझिएगा, जैसे आपके पिता हैं, ये आपके पिता है, ठीक है, स्टेप मतलब एक स्टेप आगे, मतलब अगर ना कहा जाए, जैसे जिनके पास क्या होता है कि पापा जैसे नहीं होते हैं, यानी कि वो निधन हो जाता है उनका, तो क्या होता है कि फिर मम्मी की दूसरी शादी होती, तो जो दूसरे पापा आते हैं, क्या आते हैं, दूसरे पिता आते हैं, जो मेन थे आपके, जिस जो जिनके संतान आप हो वो नहीं, यानी कि मम्मी दूसरी शादी की, तो वो क्या होता है कि दूसरे आते हैं, तो क्या होता है, स्टेप फादर उनको कहा जाता है, यानी कि दूसरे नंबर के फादर, यानी पिता दूसरे, ये पहले नहीं है, ठीक है, उनको सौतेला पिता कहा जाता है, ठीक है, स्टेप फादर मतलब एक आ गए, यानी कि आपके फादर ये नहीं है, अब दूसरे फादर आ गए हैं, ठीक है, मम्मी वही हैं, ठीक है, तो सौतेला पिता होता है। स्टेप मदर मतलब होता है, मान लीजिए अगर किसी की मम्मी नहीं है, मम्मी का निधन हो गया, पिता है, तो पिता ने दूसरी शादी कर ली, तो जो आपकी नई मम्मी आएंगी, जो आपकी नई मम्मी आएंगी, तो आपकी सौतेली माता कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, सौतेली माता, और उनको कहेंगे हम स्टेप मदर कहेंगे, क्लियर है? बिल्कुल। अब जैसे स्टेप सन होता है, सौतेला पुत्र, स्टेप सन मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आप दूसरे पिता के बच्चे लड़के हो, और आपके दूसरे, जैसे आपका स्टेप फादर हुआ, स्टेप फादर आए और उनका कोई पुत्र हुआ, तो वो कहलाता है सौतेला पुत्र कहलाता है, ठीक है, ऐसा मतलब दूसरे पिता के, बिल्कुल। स्टेप ब्रदर वही चीज, उनका स्टेप ब्रदर मतलब होता है सौतेला भाई, सौतेला भाई मतलब आपका, आपके जिनके आप जिन पिता के आप बच्चे हो वो नहीं होना चाहिए, यानी कि सौतेले पिता का लड़का, यानी आपका क्या कहलाएगा, सौतेला भाई कहलाएगा, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें रिलेटेड है आपकी, ठीक है, बिल्कुल। स्टेप डॉटर वही चीज़, उनका जो पुत्री होगी तो आपका क्या कहलाएगी, सौतेली बेटी कहलाएगी, आया समझ में? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिंक है एक दूसरे से, पूरा क्या है, लिंक है। अब देखिए यहाँ पे फिर हम एक बार बता देते हैं इसको, क्योंकि स्टेप फादर मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मम्मी पापा हुए, तो यानी कि किसी के भी, मतलब जैसे मतलब जिसके मम्मी नहीं होती हैं, मतलब पापा नहीं होते, निधन हो जाता है, तो फिर मम्मी दूसरी शादी करती, तो जो पिता आते हैं, आप तो दूसरे भी, आपके पापा तो दूसरे थे, बट मम्मी तो वही हैं, पापा दूसरे थे, तो जो नए पापा आएंगे वो कहलाएंगे स्टेप फादर कहलाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही माता में, अगर पिता का किसी के निधन हो गया है मान लेते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे जब नई मम्मी आती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, सौतेली माता कहलाती है आपके लिए, ठीक है, आप लड़के हो। स्टेपसन मतलब उनका जो पुत्र होगा, नई मम्मी आएंगी तो उनका जो पुत्र होगा तो स्टेपसन कहलाएगा, सौतेला पुत्र, उनकी पुत्री होगी तो सौतेली बेटी कहलाएगी, यानी कि स्टेप डॉटर कहलाएगी, और आप जो उनका लड़का होगा तो सन कहलाएगा, फिर उनका आपका रिलेशन क्या होगा, भाई होगा, तो स्टेप ब्रदर हो जाएगा, आया समझ में? ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये पूरा रिलेटिव्स में आता है, रिलेटिव रिलेशंस में आते हैं, तो ये आपको इसी वर्ड में याद रखना है आपको, ऐसे ही समझ करके, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे आपको याद हो गए होंगे, बताइए। इसमें अगर कोई भी अगर आपको नहीं समझ में आता, आप कमेंट में लिख दीजिएगा जरूर, और इसमें जी आपको मतलब किसी की मतलब कोई भी चीज़ प्रॉब्लम है, आप कमेंट में कीजिए, और हमारा लिंक टेलीग्राम का है, व्हाट्सएप ग्रुप का है, फेसबुक पेज का है, आप सभी को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से हमसे बातें कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल।
और ये हमारे बैचेस हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी वर्ब की 15 होगी। ठीक है, 15 वर्ब होगी, तो उसको हम लोग कुछ समय बाद देखते हैं। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमें यहाँ के कुछ थॉट्स लगा रखे, आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जैसे अभी ये देखिए, सबसे बड़ी ताकत शिक्षा होती है, नहीं, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत होती है। शिक्षा से बुद्धि का निर्माण होता है। अगर आप टैलेंटेड होना चाहते हैं, बुद्धिमान, तो आप शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। और बुद्धि के द्वारा किसी को भी जीता या हराया जा सकता है। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, इसलिए पढ़ते रहो। ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।